नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। आज मैं अभी आप सभी के सामने अभी जो आपका माध्यमिक शिक्षा चयन सेवा आयोग है उसके द्वारा टीजीटी और पीजीटी दोनों पदों की अलग अलग विज्ञप्ति जारी की गई है और उस विज्ञप्ति में आपके जो दोनों पद हैं आपके टीजीटी का और पीजीटी का जो पद है इसमें कितने आपकी कितनी वैकेंसी आई है इस बार, इनके लिए क्या अर्हता है, जो कि बहुत सारे बच्चे उस अर्हता को जानते नहीं हैं और किसी कारणवश फॉर्म में उनमें कोई ना कोई त्रुटि कर बैठते हैं। इन्हीं की वजह से एक बार आप सभी के सामने मैं फिर से हाजिर हूं और आज हम परिचर्चा करेंगे कि जो आपका टीजीटी का विज्ञापन है और पीजीटी का विज्ञापन है इस विज्ञापन में किन किन पदों के लिए कौन कौन से लोग योग्य हैं, उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और किन किन शैक्षिक अर्हताओं को वो धारित करते हुए इन पदों पर आवेदन आगे करेंगे, जिससे कि भाई भविष्य बहुत अच्छा। 4800 पे ग्रेड की नौकरी अपने आप में बहुत बड़ी चीज हो गई है, तो उन्हीं सारी चीजों के बारे में हम शुरू करते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा आज ही इसका एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है, विज्ञप्ति। बहुत पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि विज्ञप्ति जो है इसमें आ जाएगी, इसी माह में आ जाएगी, तो आ चुकी है। इस समय शुरू भी ये पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है 29 तारीख से आपका, ठीक है, 29-10 से सारी चीजें शुरू हो चुकी है और फॉर्म आपका बहुत आगे जो है अगले महीने 27 तारीख तक चलना है, 27-11 तक चलना है। तो ये सारी चीजें हैं। पदों की संख्या आप लोग जानते ही जानते होंगे, इस बार जो पदों की वैकेंसी टीजीटी के, खासकर आपके टीजीटी जो आपका होता है टीजीटी पद के लिए 12,913 पदों का जो है आवेदन मांगा गया है, मतलब अच्छे खासे पद हैं। 12,913 पदों का आवेदन आपके टीजीटी वैकेंसी के लिए है, ठीक है, यानी जो कक्षा 9 और 10 में पढ़ाने के लिए काबिल होते हैं ऐसे लोगों के लिए 12,913 पदों की वैकेंसी आई है। टीजीटी वाले 9-10 तक पढ़ाते हैं 9 और 10 में और पीजीटी वाले आपके 11 और 12 में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो टीजीटी की वैकेंसी है इसकी सीटें 12,913 है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो आप सारे लोग जानते हैं, ठीक है, इसमें वही चीजें हैं आपकी कि जो कुछ है, ठीक, आप अलग अलग टीजीटी के लिए अलग आवेदन, पीजीटी के लिए अलग आवेदन करेंगे और जिस जो है आप जैसे इसमें जो टीजीटी की आपकी वैकेंसी है इसमें प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन किया जाएगा, आपके पास कई अर्हताएं हैं तो आप उस हिसाब से उतने आवेदन कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। भाषा जिस प्रश्न पत्र जो प्रश्न पत्र की भाषा होगी वही भाषा आपको वहां प्रश्न पत्र में भी देखने को मिलेगी, मतलब भाषा पर आधारित ही आपका प्रश्न पत्र होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें जो है लिखित परीक्षा के हिसाब से होनी है, सारे लोग जानते ही जानते हैं, इसे पहले भी आपने ध्यान दिया होगा, ठीक। और अंतिम तिथि और सारी चीजें जो कुछ हैं, आज हम 10% ईबीएस वालों का है इसको ध्यान रखिएगा, ईडब्ल्यू वन यस जो लोग हैं, ठीक है, इकोनॉमिक जो बिकवर्ड क्लास से आने वाले हैं उन सारे लोगों के लिए 10% का आरक्षण रखा गया है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आपको अधिभार वगैरह मिलना ही मिलना है। जो लोग एडहॉक टीचर, अभी तक जो लोग एडहॉक टीचर के तौर पर कार्य कर रहे थे उनको भैया प्रेफरेंस मिलनी है, जो लोग तदर्थ शिक्षक के तौर पर इससे पहले कार्य कर रहे थे उनको यहां प्रेफरेंस दी गई है, तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वो क्या किया गया है कि उनके गिनने का जो क्रम लिया गया कि भैया जितना वेतन आपको भुगतान किया गया है ट्रेजरी के माध्यम से उतने दिन के लिए आपकी सारी चीजें ली जाएंगी, इसको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं इनमें क्या चीजें कैसे होंगी। रिटर्न में कोई भी आपका नेगेटिव आंसर जो है मार्क्स नहीं है, किसी क्वेश्चन पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है और तमाम चीजें हैं जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। चलिए, तो और सारी चीजें आपने देख ही लिया होगा क्या कैसे सारी चीजें हैं। मुझे मेन बात करनी है कि इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें हैं। बाकी आयु सीमा आप सारे लोग जानते हैं, आयु सीमा टीजीटी में पदों की संख्या 12,913 है, ठीक, इसको ध्यान रखना है। ये पदों की संख्या टीजीटी में है यानी कक्षा 9-10 तक पढ़ाने वाले लोगों के लिए है, ठीक है। 1 जुलाई 2020 से एज काउंटिंग होने वाली है, तो 21 साल मिनिमम एज होना चाहिए 1 जुलाई 2020 को, ठीक है। और ये 4800 पे ग्रेड की नौकरी है, मतलब बड़ी अच्छी है, समीक्षा अधिकारी वाली समझ सकते हो। आरक्षण वगैरह तो सारी चीजें जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। ईडब्ल्यूएस वाला जो चीजें हैं उसको ध्यान रखिएगा, ईडब्ल्यूएस जिनके पास है सर्टिफिकेट, तो जो उत्तर प्रदेश के हैं केवल उन्हीं को लाभ मिलेगा, अन्य राज्यों वालों को लाभ नहीं मिलेगा। बाकी तो आरक्षण चल रहा है, भूतपूर्व सैनिक 5% है, दिव्यांगजन जो है उनके लिए 3% है, ठीक है। और जो आपका
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं 2% उनका है और AWS वालों का 10% है। इसमें सारी चीजें ध्यान रखिएगा। शैक्षिक जो है आर्ता की ओर बढ़ते हैं, अब उन सारी चीजों की डिस्कस करते हैं। इसमें सिलेबस वगैरह सारी चीजें आपको टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए, नीचे आपको लिंक लगा है वहां से मिल जाएगा। 125 प्रश्न टीजीटी में आएंगे, इसको ध्यान रखना है। 125 क्वेश्चन आएगा। एमसीक्यू बेस्ड का पेपर होना है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, 125 होंगे। एक आपका क्वेश्चन 4 अंक का आता है, यानी टोटल 500 अंकों की परीक्षा होगी। ध्यान रखिएगा, जो लोग आपके सीधे सीधे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो तदर्श शिक्षक हैं, एडहॉक आपके टीचर्स हैं, उनके लिए रिटेन आपका जो है केवल 465 अंक का होता है। इनके लिए रिटेन 465 अंक का होगा, बाकी 35 अंक जो होता है ये इनके उस पर डिपेंड करता है कि भाई कितने साल नौकरी किया, क्या क्या रहा, उन सारी चीजों पर आएगी। तो इसको ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये भी फायदा है। ठीक है, 2 घंटे का पेपर है, 125 प्रश्न सॉल्व करने में, एमसीक्यू बेस्ड होगा, ये सारी चीजें होंगी, आप सारे लोग समझ गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं, इसमें आपकी अर्हता क्या है, उसी अर्हता पर मुख्य रूप से बात करते हैं। फिर आपको जो है पीजीटी के लिए क्या कैसे है, ये सारे पदों आपके अलग अलग पद हैं। शिक्षक बालक वर्ग में अगर आप बनना चाह रहे हैं तो बालक वर्ग में आपके लिए सीटें जो आई हैं 11,451, ठीक है, सीटें बालक वर्ग के लिए हैं। और जो है बालिका वर्ग, ये स्कूल है अलग अलग, इसको ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि बालक बालिका इसी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये स्कूलों के अलग अलग है कि कहां बालिकाएं पढ़ रही, कहां बालक पढ़ रहे, उसमें आप जीआईसी जानते होंगे। ठीक है, बालक बालिकाओं सबका अलग रहता है, जीआईसी जीजीआईसी, तो बालिका वर्ग के लिए अलग है इसमें पद की संख्या और बालक वर्ग के अलग है। ये इसमें ये जरूरी है कि अच्छा महिला और पुरुष में ही करेंगे, महिला इसमें नहीं कर सकते हैं, एक आध पद को छोड़कर बाकी महिलाएं सभी में कर सकती हैं अप्लाई, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बालिका वर्ग में यानी जीजीआईसी वाली जो वैकेंसी है इसमें 1462 पद है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। भैया सबसे बड़ी चीज यही है, नहीं तो पता चले कि बहुत सारे लोग इसको जानते हुए भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते हैं। देखिए सबसे पहली चीज विषय, अगर हिंदी के लिए आपको अध्यापक बनना है कक्षा 9 और 10 के लिए, तो आप बीए हिंदी से बीए किए रहे, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में आपके पास ऐसी व्यवस्था है कि आपको अगर आप बीए हिंदी में जो है हिंदी से बीए किए हैं और आप हिंदी के लिए टीजीटी पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको भैया संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। अपने उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था है कि जो व्यक्ति हिंदी के साथ बीए किया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, अगर आपने हिंदी के साथ बीए किया कर रखा है हिंदी से बीए, तो आपको हिंदी टीजीटी पद के पर आवेदन करने के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत लिया होना आवश्यक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपके पास ऐसी चीजें नहीं है, तो ऐसा बंदा जो बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ या फिर कोई समकक्ष परीक्षा कर रखा या बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री कोई रखता है, तो वो भी अर्ह है हिंदी आपके टीजीटी पद के लिए। ठीक है, और इसमें अनिवार्य कंपलसरी क्या है कि बीएड होना ही होना चाहिए या अन्य समकक्ष डिग्री होना चाहिए। टीजीटी में बीएड अनिवार्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन में मत होइएगा। ठीक है, और अधिमानी या वरीयता दी जाएगी, अधिमानी अर्हता है, जो लोग बीएड किए हैं उनको वरीयता मिलेगी। एमएड जब यहां कंपलसरी हो गया बीएड, तो आपका जाहिर सी बात है, अब यह है कि बीएड के साथ कोई एमएड है, पीएचडी है, ठीक है, किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर का खिलाड़ी रहा है, तो इन सारी चीजों पर क्या होगा, वहां अगर उसके पास प्रमाण पत्र है तो उसको अधिमानी अर्हता मिल जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, दूसरा, अगर आप गणित पद के लिए अध्यापक बनना चाह रहे, 9वीं 10वीं में पढ़ाने की सोच रहे, तो बीए अथवा बीएससी गणित होनी चाहिए प्रशिक्षित, मतलब प्रशिक्षित का अर्थ हो गया कि आप स्नातक किए हैं, तो आप जो है उसके साथ बीएड कर लिया तो आप हो गए प्रशिक्षित स्नातक, समझे, इसमें बीएड कंपलसरी है, प्रशिक्षित का मतलब ये हो जाता है कि आप बीएड किए हुए हैं, इसको ध्यान रखिएगा, बीएड कंपलसरी इसमें भी है। बाकी ऐसे लोग जो बीएड किए हुए हैं, एमएड है, पीएचडी है, या किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र है, उनको अधिमानी अर्हता दी जाएगी। ठीक है, अगली चीज इसी में अगला आता है, एक गृह विज्ञान के अगर आप जो है शिक्षक बनना चाह रहे, तो गृह विज्ञान आप या फिर गृह अर्थशास्त्र हो, ठीक है, होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान हो, डोमेस्टिक साइंस या गृह कला, होम आर्ट में अगर कोई प्रशिक्षित स्नातक है, ठीक है, मतलब बीएड उसने कर रखा है बीए करने के बाद इससे, तो वो अप्लाई कर सकता है, या गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का
कोई टीसी है तो वो कर सकता है, या लेडी एयरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा कोई कर रखा है तो वो गृह विज्ञान शिक्षक पद के लिए टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। बीएड सभी में वो प्रशिक्षित स्नातक लिख रहा, यानी बीएड सभी में कंपलसरी है टीजीटी वाले में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये प्रेफरेंस वाला जो लोग आपके एडहॉक वाले हैं उनको प्रेफरेंस मिलेगी, तो उनमें क्या क्या देखेंगे, बीएड हो, एमएड हो, पीएचडी हो, किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता हो, ये सारी चीजें। अगर आप उर्दू विषय से अध्यापक बनना चाह रहे तो बीए आपको उर्दू विषय से किया होना चाहिए, और आप साथ ही साथ एलटी या फिर आपका कुछ यहां दिया है बीटी या बी जो है बीएड या अन्य शिक्षा या शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, यानी उर्दू के साथ अगर आप जो है क्या होते हैं, आप बीएड किए हुए हैं तो आप यहां अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी चीज है। बीएड तो इसमें सभी में चाहिए, एलटी ग्रेड में सारे लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला पद इसी में आता है, एक आपका अंग्रेजी विषय के साथ अगर आप करना चाह रहे तो क्या चाहिए, देखिए बीए अंग्रेजी साहित्य सहित प्रशिक्षित हो, मतलब आप बीएड किए हो, अगर आपने बीए एमए जो है बीए कर रखा है, साथ ही साथ आप जो है बीएड भी कर रखे तो आप इस पद के लिए एलिजिबल हैं, इसको ध्यान दीजिए। यूजीसी द्वारा दूसरी चीज मान लीजिए जो जो है अंग्रेजी साहित्य से नहीं कर रखा है वो क्या है, अगर उसने यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से 3 वर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ जो है बीएड कर रखा है तो वह एलिजिबल है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपने अंग्रेजी 3 साल बीएड बीए किया है और आपने बीएड कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीएड कंपलसरी है ही है, अधिमानी अर्हता वही चल रही है जो चल रही है। अब बात करते हैं संस्कृत विषय से आपको जो है टीजीटी में अप्लाई करने के लिए, अगर आपने बीए संस्कृत सहित तथा एलटी या बीईटी, ठीक है, या फिर आप बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा या शिक्षण में डिग्री डिप्लोमा है तो आप संस्कृत के लिए जो है प्राध्यापक पद के लिए यहां पर नियुक्त हो सकते हैं, या फिर अगर मान लीजिए बीए आप संस्कृत से नहीं किए हैं तो वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि के साथ एलटी या बीटी, ठीक है, या अन्य समकक्ष शिक्षण में डिग्री अगर जिसको जिसके पास है तो वह संस्कृत से अप्लाई कर सकता है, बीएड इसमें कंपलसरी, इसको ध्यान रखिएगा। अगला एक पद आता है वाणिज्य का, कॉमर्स वाले, कॉमर्स अगर कोई कॉमर्स के साथ बीएड धारित है तो वह डाल सकता है, उसको ध्यान रखिएगा। कृषि में एग्रीकल्चर के पद के लिए जो अप्लाई करना चाह रहे हैं वो बीएससी कृषि होना चाहिए, प्रशिक्षित लिख रखा मतलब आपके साथ बीएड जुड़ा होना जरूरी है। तो टीजीटी के सारे पदों में आपको दिख रहा है कि टीजीटी में भैया आपको क्या होना चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए। कला आर्ट वालों के लिए बड़ी जो है अलग अलग चॉइसें रखा है, राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ वाला जो है आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, अगर आपके पास वो है तो डाल सकते हैं, या प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के इंटरमीडिएट परीक्षा, ठीक है, उसको कर सकते हैं आप, ठीक है। अगली चीज जो है तीसरा बिंदु, प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इनमें से कोई एक योग्यता जैसे ड्राइंग या पेंटिंग के साथ बीए हो या कला भवन शांति निकेतन, जैसे बहुत सारी चीजें दी गई हैं, तो बीए आर्ट से जो अप्लाई करने चाह रहे उनके पास बहुत सारे मौके हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कला वर्ग में ये बहुत सारी चीजें आती हैं, बाकी ये नोटिस आप लोग पढ़ लीजिएगा, बस एक चीज ये ध्यान रखना है कि कला वर्ग वाला जो इसमें किया गया है इसमें बहुत सारे आपके डिप्लोमा धारी को इसमें पहले ही अलाउ किया गया है तो उसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसलिए इसमें बीएड को कंपलसरी नहीं किया है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं अगले पद की ओर, शारीरिक शिक्षा, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन से जो लोग पढ़े हैं तो उनको भैया माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता या जो है राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त सीपीएड प्रमाण पत्र अगर आपके पास है या उसके समकक्ष है तो आप यहां अप्लाई कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए, ठीक है, और वहां सीपीएड प्रमाण पत्र आपके पास साथ कंपलसरी, इसको ध्यान रखिएगा, ये होगा तभी बात बनेगी। उसके बाद आपका आता है सिलाई का भी पद है, ठीक है, अभी भी ये जीवंत है तो ध्यान रखिएगा, इंटरमीडिएट सीटी आपके पास हो, ठीक है, यानी इंटरमीडिएट में सिलाई सहित सीटी में सिलाई विशेष योग्यता जो लोग रखते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज हाई स्कूल तथा प्रेम महाविद्यालय वृंदावन से कोई डिप्लोमा है या आर्य समाज टेलरिंग इंस्टीट्यूट आर्य समाज रोड लखनऊ से कोई डिप्लोमा है या सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से
दो वर्ष के पाठ्यक्रम के पश्चात दिए जाने वाला सिलाई का डिप्लोमा है, वो सारे लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, ध्यान दीजिएगा। उनके लिए बीएड जरूरी नहीं है, उनके लिए यही हो गया डिप्लोमा जो यहां बताया गया, उनमें से कोई पद वो अगर अपने पास रखते हैं तो वो उसके लिए एलिजिबल है। विज्ञान विषय की बात करते हैं, अगर आप पीजीटी बनना चाह रहे तो भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान के साथ, ठीक है, बीएससी प्रशिक्षण जो है वरीयमान, मतलब बीएड यहां पर भी आपके साथ अनिवार्य होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ आपने, ठीक है, बीएससी कर रखा है, इसको ध्यान रखिएगा, तो वहां पर आप बीएड आधारित हैं तो आप इस पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें तो भैया सामाजिक विज्ञान विषय के अगर आप अध्यापक बनना चाह रहे हैं तो किन्हीं दो विषयों के साथ वीए प्रशिक्षण सहित, ठीक है, आप इतिहास के साथ पढ़े हो, राजनीति शास्त्र के साथ पढ़े हो, भूगोल या अर्थशास्त्र, इन चारों में से किसी दो विषय अगर आपने बीए में ले रखा है, ठीक है, और बीएड आपके पास डिग्री है तो आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बनने के योग्य हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चार में से कोई दो विषय अगर आपके पास है, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इनमें से किसी दो विषय के साथ आपने बीए किया और बीएड किए हैं तो आप सामाजिक विज्ञान जो है शिक्षक पीजीटी पद के लिए जो है योग्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं संगीत गायन एवं संगीत वादन के भी पद इस बार है, ठीक है, तो इसमें भी आपका जो मांगा है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या समकक्ष परीक्षा, कोई एक आप भारत खंडे से यहां लखनऊ से हो, ठीक है, या प्रयाग संगीत समित इलाहाबाद से अगर आपके पास डिग्री है, या गंधर्व महाविद्यालय बंबई के संगीत विशारद परीक्षा दिए हैं, या मधो संगीत विद्यालय ग्वालियर का है, शंकर गंधर्व, कई आपके ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां से आपके पास कोई डिप्लोमा है संगीत में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं पीजीटी के लिए, तो पीजीटी आपका कक्षा 11 और 12 में पढ़ाने वाले शिक्षक का पद है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, यानी इसमें पदों की संख्या अगर देखा जाए कि इसमें पद आपके कितने आए हैं, 2595 पद इस बार है पीजीटी के, मतलब 2500 पद इसके हैं और 13000 पद उसके हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, लगभग 15000 है, बाकी चीजें सब कुछ वही है, पद बढ़ भी सकते हैं, सारी चीजें हैं अलग अलग वही है, जो कुछ उसमें है वही चीजें किया गया, इसमें क्वालिफिकेशन को आपको थोड़ा सा आपका जरूर देखना है, बाकी जितनी चीजें हैं वो चीजें सब कुछ वैसे ही है, जो चीजें वहां पर किया गया था वो चीजें आपकी बिल्कुल है, यहां क्वालिफिकेशन देख लीजिए बस, लिखित परीक्षा देख लीजिए, वो 500 अंकों की परीक्षा थी, ये 425 अंक की परीक्षा होगी, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, और 125 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा, 3.4 अंक का हर एक आपका क्वेश्चन होगा, 125 क्वेश्चन होंगे टोटल, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो आपके तदर्थ प्रवक्ता हैं यानी एडहॉक आपके कोई भी ऐसे टीचर हैं उनकी जो आपकी रिटन एग्जाम होना है वो 300 आपके 80 नंबर का होना है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 125 क्वेश्चन आप में आएंगे, जो लोग साधारण से हैं सीधा अप्लाई कर रहे हैं, 3.4 अंक का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, 2 घंटे का पेपर है, एमसीक्यू आपका ये भी आएगा, इसको ध्यान रखना है, यानी दोनों पेपर आपके एमसीक्यू बेस्ड है, रिटन नहीं है, इंटरव्यू है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सारी चीजें वही है। यहां भी बात कर लेते हैं कि भाई पीजीटी के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए कक्षा 11 और 12 के जो है टीचर बनने के लिए, तो इसमें 2281 पद बालक वर्ग में है, जीआईसी में है, और जीजीआईसी में 314 पद खाली है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखते हैं कि अप्लाई करने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो सबसे पहले हिंदी विषय की बात करते हैं कि अगर आपको पीजीटी अप्लाई करना है हिंदी विषय के प्राध्यापक के लिए तो ध्यान दीजिए, आप हिंदी विषय के अध्यापक के लिए तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप हिंदी विषय हिंदी में एमए हैं और संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, यानी जो अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बन चुका है उससे अगर आप जो है किए हैं तो आपके, अगर आपके पास मान लीजिए आप हिंदी में एमए कर रखे हैं और संस्कृत के साथ आप बीए कर रखे हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं, अगर संस्कृत के साथ आप बीए नहीं कर रहे तो आपके पास अगर शास्त्री परीक्षा आप उत्तीर्ण किए हैं, ठीक है, तो आप इसके लिए योग्य हैं। दूसरी बात, प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान, ठीक है, यहां पर एक केस के बारे में डिस्कस किया गया है कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होंगी, उन चीजों को ध्यान रखिएगा, योग्यता रखने वालों के लिए बीए उत्तीर्ण होना संस्कृत विषय से बताया गया था, ठीक है, तो उन सारी चीजों को, ये पहले 16 मार्च आपका 1989 के
अनुसार जो है 5 अप्रैल 75 के पूर्व हाई स्कूल कक्षाओं के अध्यापन हेतु तत्समय प्रचलित विनियमों के अनुसार नियुक्त अध्यापक के लिए वह अगर शैक्षिक अर्हता रख रहे हैं तो उनको अप्लाई करने के लिए यह सब नहीं देना है, इसको ध्यान रखेगा। तब नियम कुछ और थे, आज कुछ और है, ठीक है। तो जो हिंदी में एमए है, हिंदी से एमए है और उन्होंने बीए में संस्कृत ले रखा है, वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, ऐसी चीज हिंदी में जो एमए के साथ साथ संस्कृत विषयों से स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्त, मतलब हिंदी में जो एमए के साथ साथ संस्कृत विषय भी लिए हैं, हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषय जो लोग लिए हैं, ठीक है, वहां पर ऐसे आपके कोई भी लोग हैं जिनका पीजी संस्कृत में है उनको ध्यान रखना है, उनको इंटरमीडिएट कक्षाओं के प्रवक्ता पद पर सीधे नियुक्ति अथवा प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति हेतु बीए में संस्कृत की जो है अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी। तो जिनका पीजी आपका संस्कृत में है उनके लिए थोड़ा सा ये फायदेमंद रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर कंपलसरी डिग्री तो इसमें बीएड वाली तो कोई बात नहीं, लेकिन अधिमानी अर्हता दी जाएगी या वरीयता जो है वरीयता मिलेगी जो लोग बीएड है, एमएड है या पीएचडी है, ठीक है, डॉक्टरेट की डिग्री उनके पास है या कोई ऐसा अधिकारी मतलब खेलकूद वाला कोई व्यक्ति है तो उसको यहां पर अधिमानी अर्हता मिलने की बात कही गई है। दूसरे पद की बात करते हैं गणित विषय के लिए, अगर आप 11वीं 12वीं में गणित के अध्यापक बनना चाह रहे तो आप एमए तथा एमएससी गणित से हो, अब यहां प्रशिक्षण वरीयमान दे दिया या गणित में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम सहित आप बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स कर रखे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपके साथ प्रशिक्षण वरीयमान होना चाहिए, बीएड आपका कहीं ना कहीं चीजें होनी चाहिए। अब इसमें आपको अधिमानी अर्हता मिलेगी बीएड वाले, एमएड वाले, पीएचडी वाले या राष्ट्रीय स्तर के जो खेलकूद खिलाड़ी हैं। अगर आप गृह विज्ञान 11वीं 12वीं को पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसमें गृह विज्ञान में एमएससी या फिर आप गृह अर्थशास्त्र होम इकोनॉमिक्स या गृह कला यानी होम आर्ट में एमए धारित हो, या फिर गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र यानी होम इकोनॉमिक्स में या घरेलू विज्ञान या गृह कला में आप प्रशिक्षित स्नातक हैं, ठीक है, जो है यहां पर भी आप बीएड किए बैठे हैं तो भी आपकी बात बन सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें भी वही चीजें चल रही है कि किनको प्रेफरेंस मिलेगी, अधिमानी अर्हता मतलब जिनके पास ये डिग्रियां हैं उनको पहले बुलाया जाएगा, बाद में आपकी बातें आएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पर, उर्दू पद, अगर कोई पीजीटी उर्दू पद के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो एमए उर्दू से किया हुआ उसका जरूरी है और प्रशिक्षण जो है इसमें वरीयता मिलेगी, इसको ध्यान रखिएगा। बीए बीएड इन सारे लोगों को तो मिलना ही मिलना है। अंग्रेजी विषय से अगर आप पीजीटी अप्लाई करना चाह रहे तो भैया आप ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि पीजी आपके पास होनी चाहिए, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बीएड एमएड जो लोग किए इनको प्रेफरेंस मिलना ही मिलना है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगली चीज, अगर आप क्या बनना चाह रहे, कला वर्ग से जो है 11वीं 12वीं के अध्यापक बनना चाह रहे तो इंटरमीडिएट सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो पहले ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग कहलाता था, अगर आप ये रखते हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ड्राइंग या प्रिंटिंग के साथ बीसी किए हैं, बीए किए हैं, कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा अगर आपके पास है या कला जो है कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचर से परीक्षा ने दे रखी है उत्तीर्ण कर रखी है तो आप, या फिर लाहौर के मेयो आप स्कूल ऑफ आर्ट्स के टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा आपने जो है कर रखी है तो आपको मिलेगी प्रेफरेंस, ठीक है। यहां प्रशिक्षण वरीयमान दिया जाएगा किनको किनको, भैया इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक, परंतु यदि उस परीक्षा में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण स्वीकार किया जाता है, ठीक है। और बालिकाओं की संस्थाओं के अध्यापकों को प्राविधिक कला की योग्यता से छूट दे दी जाएगी, तो यह चीज ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें भी वही छूट मिलनी है जो छूट उसमें थी। संस्कृत विषय के साथ अगर आप पीजीटी अप्लाई करना चाह रहे हैं संस्कृत पद के लिए तो ध्यान दीजिए, संस्कृत में एमए प्रशिक्षण वरीयमान होगा और राजकीय संस्कृत कॉलेज
वाराणसी अब संपूर्णानंद हो चुका है, का संपूर्ण आचार्य प्रशिक्षण योग्यता वरीयमान यहां पर होगा, जिन्होंने कर रखी है उनको जो है यहां वरीयता मिलेगी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बीएड एमएड वाले हैं, पीएचडी वाले हैं, तो उनको तो योग्यता यहां प्रेफरेंस मिलनी ही मिलनी है। वाणिज्य के साथ अगर कोई एमकॉम किया है बंदा तो उसको वो वाणिज्य के लिए अप्लाई कर सकता है, सीधे सीधे इसमें मांगा है। कृषि अगर आप एग्रीकल्चर कर चुके हैं, एमएससी कृषि किए हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन वाले स्नातक हो तथा राज्य सरकार द्वारा व्यायाम शिक्षा में डिप्लोमा या किसी अध्यापक प्रशिक्षण एलटी महाविद्यालय से व्यायाम शिक्षा में विशेष योग्यता या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा व्यायाम शिक्षा में उनको उपाधि मिली हो या डिप्लोमा मिली हो तो वो फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिलाई यहां पर भी पद है, तो सिलाई इंटरमीडिएट हो, सीटी सिलाई में विशेष योग्यता वरीयमान मिलेगा, इंटरमीडिएट में तथा प्रेम जो विद्यालय है वृंदावन वाला वहां से डिप्लोमा या आर्य समाज वाले स्कूल से आप डिप्लोमा है तो आप सिलाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली चीज आती है संगीत गायन वादन है, इसको ध्यान दीजिए। तो इसमें भी एमए अगर संगीत से आप है और या फिर भातखंडे ये विद्यापीठ लखनऊ की आप निपुण परीक्षा क्वालिफाई कर रखे या प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की प्रवीण परीक्षा आप पास कर रखे हैं या फिर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट अथवा उसकी समकक्ष परीक्षा में कोई एक चीजें आप लिए हैं, जैसे भातखंडे संगीत पीठ जो ये आपका संगीत विद्यापीठ है लखनऊ, इसका संगीत विशारद की उपाधि आप ले रखे हैं, उस परीक्षा को क्वालिफाई कर सकते हैं, या प्रयाग संगीत समिति में संगीत प्रभाकर की परीक्षा आप क्वालिफाई किए, या गंधर्व वाले स्कूल से विशारद परीक्षा किए हैं, या ग्वालियर का जो माधव संगीत विद्यालय है वहां की फाइनल परीक्षा अगर आप किए हैं, संगीत रत्न धारित है, तो इन सारे लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक आपका आता है कौन सा अर्थशास्त्र विषय में अगर आप पीजीटी अप्लाई करना चाह रहे हो तो एमए अर्थशास्त्र प्रशिक्षण वरीयमान है। ठीक है, एमकॉम तथा अर्थशास्त्र सहित बीकॉम प्रशिक्षण वरीयमान दिया जाएगा और त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित अर्थशास्त्र में बीए, ठीक है, ऑनर्स करने वाले बंदे को भी इसमें प्रेफरेंस मिलेगी, तो यह ध्यान रखिएगा, ये आपका पीजीटी के उसमें है। तर्कशास्त्र से जो बनना चाह रहे तो वहां पर ध्यान दीजिए, दर्शन शास्त्र से अगर आप एमए किए हैं या बीए ऑनर्स त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम दर्शन शास्त्र सहित आपने कर रखा और इंटरमीडिएट अथवा बीए अथवा एमए में तर्कशास्त्र एक ऐच्छिक विषय में रहा है तो वहां पर आपको जो है लाभ मिलेगा, आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। नागरिक शास्त्र किससे कोई बनना चाह रहा, नागरिक शास्त्र तो एमए राजनीति से होनी चाहिए, प्रशिक्षण वरीयमान है, ठीक है, और या फिर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित राजनीति शास्त्र में अगर आप बीए ऑनर्स किए हैं तो आपको यहां अप्लाई करने का मौका मिलेगा। इतिहास से अगर आप टीचर बनना चाह रहे तो इतिहास में एमए कर रखा, प्रशिक्षण वरीयमान है, ठीक है, या प्राचीन भारतीय इतिहास में एमए कर रखा है या इतिहास में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीए ऑनर्स कर रखा है तो आप इन सब जगहों पर आपको विशेष जो है मतलब योग्यता आधारित है, आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास जो है में स्नातकोत्तर उपाधि यानी पीजी जो लोग हैं जिनके पास प्राप्त अभ्यर्थी इतिहास प्रवक्ता पद है तो आहरी माने जाएंगे, वो भी ध्यान रखिएगा, पता चले कि यहां लिखा नहीं तो चीजें बदल जाएं, प्राचीन इतिहास लिखा है तो आपको यह नहीं सोचना कि मध्यकालीन वाले नहीं है। भूगोल विषय के साथ जो बनना चाहे भूगोल में एमए हो या एमएससी हो भैया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, एक प्रशिक्षण वरीयमान है, इसको ध्यान रखिएगा। भूगोल में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित अगर कोई बीए ऑनर्स है तो वो भी यहां पर बन सकता है या बीएससी ऑनर्स है। मनोविज्ञान अगर आप साइको के टीचर बनने चाह रहे तो साइकोलॉजी से आपका एमए होना चाहिए, प्रशिक्षण वरीयमान है, या फिर आप एमएड हो तब भी डाल सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सब पद है। समाजशास्त्र से अगर आप बनना चाह रहे तो एमए समाजशास्त्र आपके पास है या समाजशास्त्र में 3 वर्षीय जो है पाठ्यक्रम के साथ अगर आप बीए कर रखें तो आपको वरीयता मिलेगी। ठीक है, अगर आप मिलिट्री साइंस के टीचर बनना चाह रहे हैं तो वहां पर आप डिग्री परीक्षा में सैन्य विज्ञान वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक जिसने 1 वर्ष के लिए कमीशन प्राप्त किया हो या फिर आप कम से कम 3 वर्ष की सेवा का भारतीय सेना का कमीशन प्राप्त अधिकारी जिसने कम से कम इंटरमीडिएट और अथवा परिषद से मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो या कोई भी आपका UOTC या UEF जो है या फिर आपका NCC अधिकारी हो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। हाई स्कूल स्तर तक ज्ञान रखने वाला वायसराय कमीशन से जुड़ा कोई व्यक्ति हो वो भी कर सकता है। ऐसे तमाम चीजें हैं जो लोग मिलिट्री साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए
आगे एक और आपका पद है शिक्षा शास्त्र का। शिक्षा शास्त्र विषय में जो स्नातकोत्तर की उपाधि धारित करते हैं एमए, ठीक है, और एमएड के साथ बीए वाले अगर कोई हैं, बीएससी है, एमएड के साथ जिनका बीए है या बीएससी है, वो लोग भी इसके लिए योग्य है शिक्षा शास्त्र के लिए। और तीसरा है या फिर एलटी अथवा बीटी अथवा बीएड के साथ मनोविज्ञान में एमए है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। जीव विज्ञान के लिए वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में आप एमएससी अथवा प्रशिक्षण वर्यमान है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कृषि विषय वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान या प्रशिक्षण जो है यहां होना चाहिए, उनको वरीयता मिलेगी, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। या फिर कृषि विषय जंतु विज्ञान के साथ आप एमएससी हैं या बीएससी में वनस्पति विज्ञान या प्रशिक्षण वर्यमान है, तो वहां पर वो सारे लोग यहां पर अप्लाई करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूजीसी द्वारा कोई भी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से एमएससी है, लाइफ साइंस से या, ठीक है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें जो है प्रशिक्षण वर्यमान है, इसको ध्यान रखिएगा, हर जगह लिख रखा है, ठीक है। भौतिक विज्ञान से अगर आप अप्लाई करते हैं तो एमएससी फिजिक्स में होना चाहिए, ठीक है, या फिर किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में पीजी आप डिग्री रखते हैं तो वहां पर पीजी डिग्री के साथ जो है डिप्लोमा के साथ अगर आप बीएससी किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। रसायन विज्ञान से एमएससी होना चाहिए केमिस्ट्री में आपका भैया, और या फिर रसायन विज्ञान में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स अगर आप किए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यूजीसी ने किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री में जो लोग कर रखे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। या फिर किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ अगर कोई बीएससी है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। तो ये चीजें आपकी टीजीटी और पीजीटी की रही, ठीक है। जो लोग भैया योग्य हैं, बहुत अच्छा मौका आया है, बहुत बढ़िया जो है कॉम्पिटिशन भी होता है, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आप सारे लोग फॉर्म अप्लाई करिए और बहुत ढंग से पढ़ना शुरू करिए। विषय की बात है, जो स्नातक में पढ़ के आए हैं उसी विषय को फिर से पढ़ना है। चीजें अच्छी हैं, बहुत बढ़िया पद भी है भाई, जो है पे ग्रेड आपने देख ही लिया है 4800 है, बहुत बड़ी चीज है, तो मस्ती के साथ पढ़िए। आप सभी के लिए उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।